स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों टीआरपी के रेस में सबसे आगे है, जिसमें विराट और सई की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। पर उनके साथ साथ खूब चर्चाएं बटोर रही हैं अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा, जो सीरियल में पाखी का नेगेटिव रोल निभा रही हैं, इसलिए तो इन्हें इस सीरियल में दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या शर्मा से पहले टीवी की कई अभिनेत्रियों को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया, पर उन्होंने किसी न किसी वजह से इस किरदार को करने से मना कर दिया। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जो पाखी के किरदार को रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर वन, मानसी श्रीवास्तव। टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं मानसी श्रीवास्तव, जिन्हें आपने इश्कबाज सीरियल में भव्या का किरदार निभाते देखा होगा। इनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया, यही वजह है कि इन्हें भी पाखी के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन उस समय मानसी श्रीवास्तव की निजी जिंदगी में उथल पुथल रही, इस वजह से इन्होंने खुद ही इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। नंबर टू, अपर्णा दीक्षित। सीरियल बेपनाह प्यार में बानी का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अपर्णा दीक्षित को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री की कई सीरियल्स में दमदार अदायगी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। एक यही वजह है कि इन्हें भी पाखी के किरदार के लिए अप्रोच किया गया, पर बाद में सीरियल मेकर्स को लगा कि ये पाखी के किरदार में खुद को फिट नहीं बिठा पाएंगी, जिस वजह से अपर्णा ने पाखी के रोल को करने के लिए खुद ही मना कर दिया। नंबर थ्री, समीक्षा जायसवाल। जिंदगी की महक और बहु बेगम जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी समीक्षा जायसवाल, जो इन सीरियल्स में लीड एक्ट्रेस के लिए काफी अच्छा काम कर चुकी हैं, जिसे देख करके इन्हें भी पाखी का रोल ऑफर हुआ। और जब इन्हें पाखी का सेकंड लीड किरदार के लिए अप्रोच किया गया, तो इन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया, क्योंकि ये लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाना चाहती थी, ना कि सेकंड लीड का। नंबर फोर, भूमिका गुरुंग। निमकी मुखिया सीरियल से हर किसी के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री भूमिका गुरुंग, जिन्हें इस सीरियल में निमकी के किरदार में देखा गया, जिसके बाद ये इस किरदार से रातों रात पॉपुलर हो गयी। इनकी इसी लोकप्रियता को देखते ही इन्हें बाद में पाखी के किरदार के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन इन्होंने रोल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि पाखी का रोल बहुत सीरियस और थोड़ा नेगेटिव है, पर ये तो निमकी जैसे अच्छे रोल करना चाहती हैं, इस वजह से इन्होंने पाखी के रोल को रिजेक्ट कर दिया। नंबर फाइव, एरिका फर्नांडिस। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीरियल से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री एरिका फर्नांडिस को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने इस शो में सोनाक्षी का किरदार निभाया। इनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया, बस यही वजह रही कि गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने इन्हें पाखी के सेकंड लीड नेगेटिव किरदार के लिए अप्रोच किया। लेकिन एरिका फर्नांडिस तो सीरियल में लीड एक्ट्रेस का पॉजिटिव किरदार निभाना चाहती हैं, इस वजह से इन्होंने पाखी के सेकंड लीड और नेगेटिव किरदार को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये सेकंड लीड और ऊपर से नेगेटिव कैरेक्टर है जो वो कभी प्ले नहीं करना चाहती। इस तरह इन सभी अभिनेत्रियों के रिजेक्ट करने के बाद ये रोल मिला ऐश्वर्या शर्मा को, जिसके बाद से लेकर अब तक ऐश्वर्या शर्मा पाखी के किरदार में नजर आ रही हैं और हमारा मनोरंजन कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाखी के किरदार को रिजेक्ट करके इनमें से किस एक्ट्रेस ने गलती की? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।